हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल माय हॉबीज़ गार्डनिंग में। और ये मैंने यहाँ पे कल मैंने निकाल के रख दिए थे कुछ प्लांट्स, क्योंकि अंदर जगह नहीं थी। और ये बैंगन का भी मैंने यहाँ पे शिफ्ट किया, इसी में मैंने पिटूनिया लगा दिया था। तो ये देखिए, और एक चीज़ और आप लोगों को मैं दिखाती हूँ, मेरी यहाँ की मिट्टी ही गायब कर दी गई है। देखिए बिल्कुल गायब है, चचुंदर होल कर देती है, मिट्टी नहीं गायब करती है, होल बस कर देती, क्योंकि पोरस में मिट्टी होती है तो आसानी से वो अंदर को घुस जाती है। लेकिन किसी ने मिट्टी ही गायब कर दी है, कोई बात नहीं, मैं और डाल लूँगी। लेकिन मैं अपनी गार्डनिंग नहीं, मैं छोड़ूंगी बाहर की। और ये देखिए आप लोग, लीफ, इस गुड़हल की लीफ की ब्यूटी कितनी खूबसूरत लग रही हैं। जैसे क्रोटोन होता है, क्रोटोन में लीव्स एकदम शेडेड कलरफुल होती हैं, वैसी ही हो गई हैं। बहुत सुंदर लगने लग गया है अब ये प्लांट बिल्कुल क्रोटोन के जैसा होता जा रहा है। और इसमें लीव्स भी बहुत येलो हो रही हैं, दो दिन से मैं लीव्स निकाल नहीं पाई, वरना मैं रोज़ के रोज़ ही लीव्स निकालती हूँ। तो ये देखिए कितनी ढेर सारी लीव्स इकट्ठी हो गई हैं। तो अब इनको सबको, अब इनमें लीव्स कम हो गई हैं, तो अब ये पास पास में मैंने ये वाला पॉट पीछे खिसका दिया, स्पेस हो गई, क्योंकि लीव्स की वजह से मुझे दूर दूर रखना पड़ा था, क्योंकि प्लांट बहुत घने थे, उनको हवा धूप अच्छे से लगनी बहुत ज़रूरी होती है। अब आसानी से हवा धूप सब लग जाएगी। इनको मैं अच्छे से मैं सेट करती हूँ कि मैं कैसे क्या क्या अरेंजमेंट करती हूँ, फिर वो आप लोगों को मैं दिखाती हूँ। एक चीज़ और आप लोगों को दिखाती हूँ, ये देखिए किसी ने थैला गोल गोल काट दिया, ये इसमें मैंने बैगन लगा के बाहर रखा था। ये देखिए, डॉगी का काम नहीं है, डॉगी अगर काटता उसके दांत से इस तरह से सफाई से ये गोल गोल नहीं कट होता, पर ये भी काट दिया। पर मैं हटाऊंगी यहाँ से, मैं कुछ भी नहीं, जिसको जो करना है करे। मैं अपनी गार्डनिंग खुशी खुशी मैं करती रहूँगी। ये देखिए, ये मेरी टर्टल वाइन की बास्केट थी, ये सारा टर्टल वाइन मैंने निकाल दिया है। और इसमें ये मैंने पिटूनिया शिफ्ट कर दिए हैं, अभी बाद में टर्टल वाइन शिफ्ट कर देंगे, क्योंकि बास्केट अच्छी नहीं लग रही थी, गंदी, ये काम भी किया है। और ये पॉट मेरा हेलमेट में था, ये अब विंटर्स में ये थोड़ा सा डल हो जाता है, इसकी पत्तियाँ जो हैं झड़ने लगती हैं, इसलिए इसको मैंने वहाँ से हटा दिया। वहाँ पे मैं पिटूनिया मैंने लगा दिया, अभी विंटर्स का ही आपको दिखाती हूँ फ्रेंड्स। ये देखिए, ये पिटूनिया मैंने कर दिया है इसमें, अभी यही पिटूनिया फैल जाएगा, पूरा ये कवर कर लेगा, पूरा फूलों से भर जाएगा, बहुत सुंदर लगेगा। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने यहाँ पे सारे फूल के ही मैंने शिफ्ट कर दिए हैं, बीच में इसको रख के साइड से ऐसे सर्कल सा दे दिया है, बस यहाँ पे एक यही गुड़हल रह गया है और सब मैंने हटा दिए हैं। और इसमें ये मैंने पिटूनिया कर दिया है, ऊपर ये सब मैंने रख दिए हैं, यहाँ से मैंने वो हटा दिया है। और ये इधर मैंने जो हमारी ये कटिंग से बाद की गुलदाउदी है ये रख दी है, और ये सारे मैंने गुड़हल इधर ही शिफ्ट कर दिए हैं लाइन से। और ये मैंने पिटूनिया के ये वाले शेड इसमें कर दिए हैं इस तरह से, ये छोटे छोटे सारे जो हैं इधर रख दिए, ये भी पिटूनिया ही है, रख दिया है। टमाटर का पेड़ मेरा इतना बड़ा हो गया है, अब ये पता नहीं कहाँ फैल के जाएगा, पता नहीं है मुझे। और ये इस तरह से, अब इसमें गेंदा में भी बर्ड्स आ गई हैं, ये देखिए अब जगह जगह सारी बर्ड्स बन रही हैं, जिनमें नहीं है वो ये इस तरह से, ये देखिए, ये
बड्स बन रही हैं और कुछ तो बन गई हैं। कुछ दिनों में इसमें भी ये भी फूलों से भर जाएगा। और ये इस तरह से ये मैंने मिर्च के बीज डाल दिए थे, इसमें मिर्च का प्लांट था मेरा, वो बेकार हो रहा था, उसमें कुछ फंगस टाइप की लग गई थी, मैंने कट कर दिया और जो मिर्च पकी हुई थी उसी का बीज डाल दिया है। तो इतने सारे प्लांट्स इसमें और भी निकल आए हैं। इसमें भी गेंदे की कटिंग है और ये विंका है और ये अपराजिता का प्लांट इसमें अपने आप ही आ गया है। इसका प्लांट बेकार हो गया था, वो हटा दिया है। और ये गुमफ्रीना के पौधे हैं और ये सचेजिया इधर ये रख दिया है, इधर ऐसे कर दिया, ये मैंने टिकोमा इधर कर दिया है। और इस तरह से थोड़ी मैंने सेटिंग जो है चेंज कर दी है, क्योंकि अब ये मैंने कांटों वाले प्लांट हैं बोगनवेलिया के जो, ये मैंने यहाँ रख दिए ताकि थोड़ी सेफ्टी हो जाएगी हमारे गार्डन की। और अभी एक ये वाला जो पॉट दिख रहा है वाइट वाइट, ये भी बोगनवेलिया का है, ये भी उठा के मैं यहाँ पे मैं शिफ्ट कर दूँगी। और ये पर्सन तो अच्छे से हो रहा है। और ये देखिए मैंने ये पिटूनिया एक ये मैंने लगा दिया है, एक ये पिटूनिया और एक ये मैंने तीन पिटूनिया लगा दी हैं। अभी वो ठेले वाला आया था तो उससे मैंने ले लिए, पर ठेले वाले के पास अच्छे से शेड्स नहीं होते हैं, लेकिन ले लिए मैंने, चलो काम हो जाएगा। छः पिटूनिया ले लिए, तीन वो ये एक ये कर दिया है, दो अंदर मैंने कर दिए। इस तरह से ये मेरा गार्डन तैयार हो गया है दोस्तों। देखिए आप लोगों को कैसा लग रहा है, आप लोग बताइएगा फ्रेंड्स। इस तरह से पूरा गार्डन लुक, और अपराजिता तो मैंने बिल्कुल छांट दी है, लेकिन ये देखिए तीन किले बोगनवेलिया के फिर से निकल आए हैं, पता नहीं कहाँ से, ये भी मुझे कट करने हैं। और ये ऊपर को खूब अच्छे से बोगनवेलिया फैल रही है, खूब सारे फूल आ रहे हैं। देखिए ये क्रिसमस ट्री, एक मैंने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया है, ये लंटाना है। और ऊपर ये मैंने छोटे छोटे यहाँ पे ये मैंने पॉट रख दिए हैं सालविया के, दो ये बास्केट हैं, ये एक से ही सेम हैं कलर, मुझे तो सेम लग रहे हैं, सेम से होंगे कलर दोनों ही, क्योंकि यहाँ पे शेड्स ज़्यादा आते नहीं हैं, इसीलिए मैं नर्सरी जाके लाई थी। तो मैंने ले लिए ये, वहीं बाहर वाले प्लांट पे मैं हैंग कर दूँगी, क्योंकि प्लांट भी सुना सुना हो रहा है तो अच्छा लगेगा, फूल इधर उधर से आ जाएंगे दोस्तों। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन भी प्रेस कर लीजिएगा मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए। मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, बाय।